करता हूं, मैं दावा किया कि 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और 24 में भाजपा को भगाना है। तो कैसे, मेरे सामने सवाल उठ रहा है कि हम 24 में भाजपा को कैसे भगाएंगे और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 25 में मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। पूर्व भारत वर्ष में दो विचारधारा चलते आया है। एक विचारधारा है जो बाबा अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा है, मानववादी विचारधारा, और दूसरा जो विचारधारा है मनु महाराज का विचारधारा है, मान है मनुवादी विचारधारा। तो जब तक हम मानववादी विचारधारा को लेकर नहीं चलेंगे और मानववादी और मनुवादी में हम फर्क नहीं समझेंगे, तब तक हम 24 के भाजपा को भगा, तब तक हम 24 के भाजपा को भगा नहीं सकते। भारतवर्ष के सत्ता में वो मनुवाद विचारधारा को ही हमारे सामने रख कर आया था। जब प्रधानमंत्री जी 14 के चुनाव में हमारे बीच आए और मैं एक बात और कहता हूं, जो मानववादी विचारधारा है वो कहता है कि जानने से पहले, मानने से पहले जान लीजिए, और मनुवादी विचारधारा कहता है कि जानने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूं झूठ सब उसको मान लीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो आज भारत के सत्ता में बैठे हुए, उन्होंने 24 में आया और मनुवादी विचारधारा को लेकर हमारे बीच आया और उन्होंने कहा कि मैं जो चाहता हूं उस पर आपको जानने का जरूरत नहीं है, चुपचाप उसको मान लीजिए, और हमने वही अपनाया। अगर मानववादी विचारधारा को अपनाया होता तो आज हमारा देश बीतता नहीं। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी ने एक और हमारे साथ जो है छल करने का काम किया, उन्होंने बहुत बड़ा ओबीसी के साथ धोखा किया। उन्होंने क्या कहा, मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, और पूरे देश के ओबीसी ने मान लिया कि इससे ज्यादा ही पैसी ओबीसी का कोई हो नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने एक जानने का प्रयास नहीं किया वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है या नहीं है। अगर ओबीसी होते तो जो 90 में ओबीसी को मंडल आयोग के तहत जो सिफारिश लागू हुआ था, उस मंडल आयोग के तहत ओबीसी को आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के विरोध में जो दिल्ली से अडवाणी जी ने गोलंदा लेकर चला था, उस गोलंदा का जो लेकर था, आप लोगों को पता है, पूरा हाथ उठाकर बताइए हमको आप लोग, जो दिल्ली से जो आपको मंडल आयोग के तहत जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के विरोध में जो कमंडल चला था, उस कमंडल का संयोजन कौन था, आप लोगों मालूम? अरे भाई बताइए आप लोग, किसी को मालूम है कि मैंने 11 साल के उम्र में घर छोड़ दिया। 1949 का नरेंद्र मोदी जी का जन्म है और 11 साल में घर छोड़ा तो कितना हो गया, 1949 और 11 कितना हुआ, 1960। इसके बाद कहा कि मैंने 35 वर्ष भीख मांग कर गुजारा किया, तो 60 और 35 कितना हो गया, 95। इसके बाद कहा कि मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चाय बेचा, कब बेचा, हम लोगों ने समझा कि जब 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, 35 साल भीख मांगा तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा, और उनको किसी ने चाय बेचते हुए देखा है क्या, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या रेलवे ट्रेन में, और रेलवे बेचते हुए मैं पूछना चाहता हूँ आप,
लोगों से रेलवे बचते हुए देखे है ना, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को हराना है और तेजस्वी जी को 25 में लाना है तो मानववादी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा और झूठ और सच में फर्क समझना पड़ेगा, अंधविश्वास और शिक्षा में फर्क समझना पड़ेगा। आज पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है राम मंदिर का स्थापना होने वाला है और उसके राम मंदिर के आश्रय भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, मैं ओबीसी SC ST के भाइयों के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये शंभू कौन था जिसका राम राज्य में हत्या किया गया, वो शंभू कौन था? वो शंभू हम ओबीसी SC ST के लोगों के बीच का शंभू था जिसका हत्या राम राज में किया गया और वो शंभू का गलती क्या था कि हत्या हुआ? उन्होंने ODC SC ST मतलब सभी सुंदरों भाइयों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। क्या शिक्षा देना गुनाह है क्या? अगर सुंदरों को शिक्षा देने वाले का उस राम राज में हत्या हो जाता है, उसका हत्या करने वाला कौन है? जो हमें शिक्षा दे रहा है उसका हत्या हो जाता है और हत्या करने वाला कभी हमारा हो सकता है क्या? हो सकता है हमारा? तो समझना पड़ेगा हमको अंधविश्वास, जो लड़ाई हमारी है इस पर 24 की अंधविश्वास पखंड धान हट जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगा। अगर मनुस्मृति लागू हो गया तो मनुस्मृति में चुनाव लड़ने का अधिकार है क्या? वोट देने का अधिकार है क्या? तो कैसे बनेंगे? लगता है कि 24 में अगर मोदी जी का सरकार बन जाएगा तो बहुजन समाज का लोग कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या? लग रहा है तो इसके लिए बहुजन समाज के लोग पूरे देश में जिंदा रहे, कलम और किताब बरकरार रहे, उसके लिए सभी भारतीयों को मिलकर 24 में नरेंद्र मोदी को मिटाना था। और जब तक नहीं मिटाएंगे तो फिर 25 का सपना छोड़ देंगे। जो राकेश रोशन जी बोल रहे थे, अगर 24 में मोदी नहीं मिटे तो 25 में कोई चुनाव नहीं होगा। हमारे जितने भी देश के जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, प्रमुख हो, वो सभी लोग इस बात को सुन ले, समझ ले, अगर 24 में देश नहीं बचा तो कोई नहीं बचेगा। अगर सब लोगों को अपना अधिकार बचाना है तो 24 में भारतीय जनता पार्टी को मिटाना पड़ेगा, कोई भी नहीं। और मैं कहता हूं, लोग कह रहे हैं, हमें बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। मैं पूछना चाहता हूं, जब सावित्री फुले ने बच्चियों को पढ़ाने के लिए घर से निकलती थी, उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? जब कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में अति पिछड़ा का जब आरक्षण दिया, उनको गाली देने वाला कौन था? आप लोग बताने का काम करेंगे? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब बिहार की जनता के मुंह में आवाज दिया तो उनको अपमानित करने वाला और गाली देने वाला कौन था?
और अमर सिंह जो देव प्रसाद जी ने जब सचको पिछड़े का लड़ाई लड़ने का काम किया तो उनका हत्या कर दो। ये सोचने और समझने की बात है। अगर आप लोगों ने नहीं सोचा और नहीं समझा और बिना सोचे समझे काम किया तो देश के बहुजन समाज के लोग नहीं बचेंगे, उनका हक और अधिकार नहीं बचेगा, उनका गौरव और किताब नहीं बचेगा। जिस बात को सावित्री बाई फुले ने कहा था कि शिक्षा सर्वोपरि है, उसी बात को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा भारत को कोई महान बनने से रोक नहीं सकता। भारत को कोई महान बनने से रोक नहीं के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई है। जो इसका मेरे साथ कलम और किताब की लड़ाई है और अभी पूरा देश में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, राम जी के अंदर प्राण डालने वाले लोग हैं 22 तारीख को। तो भाई जो प्राण डालने वाले लोग हैं ऐसे लोग तो देश के लिए बहुत कारगर साबित हुए। और जब वो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो जो हमारे बॉर्डर पर सेना लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी डाल सकते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल में हमारे लोगों का देहांत हो रहा है उसमें भी प्राण डाल सकते हैं। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों का भारत सरकार एक सूची बनाए जो प्राण डालने वाले लोग हैं, और सूची बनाकर बॉर्डर पर हर सेना के बटालियन के साथ एक प्राण डालने वालों को वहां रखे ताकि हमारा सेना शहीद हो और उसने प्राण डाले। इसके अलावा हॉस्पिटल में हमारे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एक प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कमी है। हर हॉस्पिटल में एक प्राण डालने वाले को वहां रखे ताकि हमारे लोग का मरे और वो प्राण डाले। अगर वो प्राण डालने में असफल हो जाते हैं, नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? पूरे देश में पखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और पखंड और अंधविश्वास फैलाना अपराध है कि नहीं है? अपराध है ना। और ऐसे अपराधियों को कहां होना चाहिए? जहां होना चाहिए वह भारत सरकार पहुंचा दे, हम यही आग्रह करेंगे। लेकिन फिर इस 24 के ही चुनाव में मनुवाद का